हेलो दोस्तों, मैं रंजीत रावत और आज आप सीखेंगे हिंदी शॉर्ट हैंड में अभ्यास 24। लेकिन अभ्यास 24 से पहले हमें इसके बारे में थोड़ा समझना है कि ये अभ्यास किस चीज़ पर डिपेंड है। इससे पहले मैंने एक क्लास सर्वनाम की सिखाई है, तो अगर जिसको भी सर्वनाम नहीं आते हैं तो सबसे पहले वो उस वीडियो को ज़रूर देख ले, क्योंकि ये जो वीडियो है अभ्यास 24 ये पूरी की पूरी सर्वनाम पर डिपेंड है। अगर जिसके सर्वनाम क्लियर हैं उसको ये अभ्यास बहुत अच्छे से समझ आने वाली है, लेकिन अगर किसी को सर्वनाम क्लियर नहीं है तो उसको अभ्यास तो समझ आएगी लेकिन जो सर्वनाम का बेस है, जो बेसिक है, वो समझ नहीं आएगा। बस जो ये वर्ड लिखे हैं जैसे मैं बनाऊंगा वो उस तरह से आपको समझ आ जाएंगे, लेकिन अगर आप सर्वनाम की वीडियो देख लेते हैं तो आपको ये और ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है जो, तो हम इसको जैसे जैसे लिखे वैसे वैसे हम इसको बनाते जाएंगे। जैसे लिखा है जो, देखो अगर हम सीधी रेखा में जा बना दें इस तरह से तो ये पढ़ा जाता है जो। लेकिन मैंने आपको बताया, मैं हर वीडियो में बार बार यही बताता हूं कि मैंने जो मात्राएं सिखाई हैं वो कुछ अलग तरह से सिखाई हैं, उसमें कुछ भी ज़्यादा हमें याद नहीं रखना है। किताब में जो है हमें कई तरह से याद रखना है, लेकिन मैंने जो सिखाई हैं उसमें हमें कुछ भी, बस दो चिन्ह याद रखने हैं, डॉट और डैश, यानी कि बिंदु और डैश। किताब में भी यही याद रखना है लेकिन उनको अलग तरीके से बताया है, मैंने अलग तरीके से बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है कि मात्राएं कैसे लगाते हैं, उनका यूज़ हम कैसे करते हैं, कहां पर किस तरह से यूज़ करना है, और बहुत आसान तरीके से बुक में डॉट और डैश को तीनों जगह घुमाया है, लेकिन मैंने सिर्फ आधे वर्ड डैश में और आधे वर्ड डॉट में कर दिए हैं, और वो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लें। इसलिए जो मैं मात्राएं बताता हूँ, जैसे कि किताब में जो है, जो का जो शब्द चिन्ह है वो इस तरह से है, ये जो जा बनाया है ये जो का शब्द चिन्ह है, लेकिन मैंने जो कराया है इसमें ये ओ की मात्रा इसमें लगवा दी है तो ये पढ़ा जाएगा जो। ये तुम्हें अभी थोड़ा हार्ड लग रहा है कि जब सीधा सीधा जा है तो ओ की मात्रा लगाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन आगे चल के आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि इसका क्या यूज़ है। सो, तो हम सा बनाएंगे इस तरह से सा, और यहाँ पर ओ की मात्रा रख देंगे सो। यह का शब्द चिन्ह होता है इस तरह से, देखो अगर मैं ये या बनाकर यहाँ हा निकाल दूँ इस तरह से तो ये पढ़ा जाता है यह। फिर आता है वह, देखो वह कैसे बनाएंगे, अगर मैं इसको इस तरह से निकाल दूं तो ये पढ़ाएगा वह। अगर बात आती है वे की, अगर वे को मैं किताब के अकॉर्डिंग देखूं तो इसी चिन्ह को, इसी प्रतीक को अगर मैं लाइन पर रख दूं तो ये वे पढ़ा जाएगा, लेकिन मैंने लाइन और लाइन के ऊपर का झंझट खत्म कर दिया इस शब्द चिन्ह में, तो इसको कैसे बनाएंगे, ये वह है। जब हम वह इस तरीके से बना रहे हैं तो अगर हम इसमें एक की मात्रा लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, वे हो जाएगा। फिर आता है कौन, देखो कौन का शब्द चिन्ह क्या होता है, अगर मैं इस तरह से ये कैप, अगर इस तरह से ये कैप मैं बना दूं तो ये पढ़ा जाता है कौन। फिर आता है कोई, अब देखो कोई और एक वर्ड आता है कई, तो अगर मैं किताब के अकॉर्डिंग देखूं तो कोई को हमने ऐसे लिखा है किताब में इस तरह से लिखा है, ये है कोई। अगर इसी प्रतीक को मैं लाइन पर बना दूँ तो ये पढ़ा जाएगा कई, लेकिन इसमें हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, ना लाइन पर देखना है ना लाइन के ऊपर, जहां आपको अच्छा लगे वहां बना लें, मतलब जब मैटर लिखते पर आपको जहां आसानी लगे वहां बना लें। तो ये का है और ये ई है, तो क्या बनाएंगे, कई, लेकिन हमें लिखना है कोई, यहां ओ की मात्रा लगा देंगे एक, तो ये पढ़ा जाएगा कोई। फिर आता है दूसरा पॉइंट ये, देखो यही किताब में ये है कि अगर यह को अगर हम लाइन से ऊपर और लाइन के नीचे, इन दोनों में पहचान की गई है, लेकिन जब हमें यह का शब्द चिन्ह पता है तो हम इसमें यह नहीं कर सकते कि यह बनाकर एक ही मात्रा लगा दें तो ये नहीं पढ़ा जाएगा, ये मात्राओं का हम कब यूज लेंगे, तो ये हो जाएगा ये। फिर आता है मैं, इसको लाइन के ऊपर इस तरह से निकाल दें, ये पढ़ाता है मैं। फिर आता है तुम, ये हो जाता है तुम। फिर आता है तुमको, तुम ये है और इसमें का और जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, तुमको। मेरा, मेरा लाइन के ऊपर, ये जितने भी चल रहे हैं ये सब सर्वनाम है, इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज सिखाई है उसमें सब सर्वनाम है। तुम्हारा, ये तुम्हारा का शब्द चिन्ह होता है। हमारा, अगर इसी शब्द चिन्ह को हम लाइन के ऊपर बना दें तो यही पढ़ा जाता है हमारा, इस तरह से हम बनाएंगे कुछ यूं, क्या पढ़ाया जाएगा, ये हमारा। फिर आता है इनमें, देखो ये होता है इन, अगर लाइन पे इस तरह से बना दे तो ये क्या पढ़ाता है, इन, और इसमें हमें माँ जोड़ देंगे तो एक ही मात्रा लगा देंगे। ये लाइन थोड़ा चिपकी हुई है तो इसमें दिख नहीं रहा है, ये देखो अब दोबारा बनाता हूँ, इन में इस तरह से। फिर आता है इन पर, तो क्या लिखेंगे, इन और ये
पर, इन पर, उसका, ये उस शब्द चिन्ह होता है उस। अगर मैं इसको यूं निकाल दूं तो पढ़ाता है उस। अब इसमें का और जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, उसका, उसका। हमारा, फिर वही आ गया हमारा, इस तरह से निकाल देंगे हमारा। हम पर, हम लिखेंगे और क्या लिखेंगे, पर। इसी तरह तुम पर आता है तो यही शब्द चिन्ह सेम लाइन पर बना देंगे, क्योंकि तुम क्या था, लाइन पर था। ये तुम है और ये पर, तुम पर। हो, हा बनाएंगे और ये ओ की मात्रा, हो तुम भी। देखो तुम हम ऐसे लिखते हैं, इस तरह से लिखेंगे हम तुम, ये जो होता है तुम होता है। लेकिन अगर मैं भी की बात करूं तो किताब में कुछ इस तरह से दिया है, ये यूं बनाया हल्का सा, लेकिन मैंने क्या बताया कि इसको इस तरह से बना दें, क्योंकि जब हम स्पीड पे मैटर लिखते हैं तो एकदम ये हाथ नहीं चल पाता, ये एकदम चल जाएगा। तो हमने तुम लिखा और इसको यूं जोड़ दिया तो क्या हो गया, तुम भी। फिर आता है इस तरह, देखो ये इसका शब्द चिन्ह होता है इस। अब इसमें मैंने बताया था कि जब लास्ट में तरह आता है तो हम ता को इस तरह से जोड़ देते हैं, तो ये क्या पढ़ाता है, इस तरह। किसी भी सर्वनाम के बाद अगर लास्ट में तरह आता है तो उसके लास्ट में ता जोड़ देते हैं, वो तरह पढ़ा जाता है। जैसे कि इस है, इस क्या है, एक सर्वनाम है, और सर्वनाम के बाद हमने ता जोड़ दिया तो इस ता को हम ता नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इस तरह, उस तरह। देखो ये उसका शब्द चिन्ह होता है उस, और इसमें हम तरह जोड़ देंगे तो क्या करेंगे, इस तरह से, उस तरह। फिर आता है किस तरह, देखो ये किसका शब्द चिन्ह है, और ये सा का आंकड़ा, और ये तरह, किस तरह, ठीक है। फिर आता है जो लोग, ये पॉइंट चलना है, ये पहला पॉइंट है, दूसरा, तीसरा हो गया, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। तो जो लोग, देखो ये जो लोग का पूरा सर्वनाम है, एक शब्द चिन्ह है, एक जो और लोग, कैसा। अगर लाइन से ऊपर ये बना दें का और सा तो ये पढ़ाता है कैसा, क्या। अगर हम का, ये जो का होता है, अगर हम इस का को थोड़ा बड़ा करके बना दें यूं तो ये क्या पढ़ाया जाएगा, क्या, कभी। देखो का आ गया और ये भी का शब्द चिन्ह आ गया, मतलब जो भी बताया था मैंने अभी, तो क्या पढ़ाया जाएगा, कभी। सेम इसी तरह लिखना है अभी, लेकिन इसको थोड़ा छोटा बनाना है, इस तरह से यूं बनाना है, कोशिश करना ये, ठीक है, इस तरह से। ये कभी है और ये छोटा सा है अभी, इसको का नहीं पढ़ेंगे, का जब बनाएंगे थोड़ा बड़ा करके बनाएंगे, आ बनाएंगे उसको हल्का सा छोटा करके बनाएंगे। अब आता है पॉइंट सिक्स, जगह थोड़ी कम थी तो मैंने यहां लिख लिया, नीचे दिखता नहीं, यह है पॉइंट सिक्स, तभी। देखो तभी कैसे लिखेंगे, ता बनाएंगे और भी, तभी। मैं ही, देखो अगर, देखो ही आया था इसमें कहीं, कहाँ है ही, देखो इसमें ही आया है कहीं, नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे, देखो ही जो होता है वो ऐसे अगर रिंग बना दे तो वो ही पढ़ा जाता है, ठीक है। तो अब हमें लिखना है मैं ही, तो ये मैं का शब्द चिन्ह होता है और इसमें ही जोड़ देंगे, मैं ही। वह भी, ये वह होता है और इसमें भी जोड़ देंगे, वह भी। तू ही, देखो ता बनाएंगे और ये ही, तू ही। चाहो तो इसे लाइन पर टच कर लो, चाहे इसे लाइन पर टच कर लो या लाइन के ऊपर बना लो, चलो लाइन पर टच करके बना लो, तू ही, ठीक है। फिर आता है तुम से, ये तुम बनाएंगे और से, अगर जब से आता तो हम कैसे निकालते हैं, इस तरह से हम निकाल देते हैं हल्का सा ये से, तुम से, ठीक है। फिर आता है मुझ से, ये मुझ, और फिर इस तरह से निकाल देंगे हल्का सा मुझ से, ठीक है। अब आता है ये सेवन पॉइंट है, सेवन पॉइंट यहाँ से सुंदरबन से लेके मुश्किल है तक है, तो सेवन पॉइंट को हम कैसे करेंगे, सुंदरबन। देखो सा का आंकड़ा मैंने सिखाया है, सा का आंकड़ा लगाएंगे, ना बनाएंगे और ये दा बनाएंगे, ठीक है, सुंदर। अब देखो रा दो तरीके से बनता है, एक तो बनाते हैं हम इस तरह से और एक बनाते हैं हम इस तरह से। तो सुंदर, अब चाहे रा यूं बना लो, ठीक है, ये भी सुंदर पढ़ा जाएगा, या फिर इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, यूं और यूं भी बना सकते हैं। अब देखो इसको अगर हम बिना मात्रा के लिखें तो ये क्या पढ़ा जाएगा, सा, ना, दा और रा, सुंदर पढ़ा जाएगा। तो सुंदर कोई वर्ड होता नहीं है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, सुंदर ही पढ़ेंगे। चाहो तो यहाँ मात्रा लगा सकते हो दा पर, सॉरी ना पर, तो क्या पढ़ा जाएगा, सुंदर। एक सुंदर बन है पहले, वन, वा बनाएंगे और ना, वन। एक अगर हम यूं बिंदु लगा दें एक इस तरह से तो ये पढ़ाता है एक। जंगल, जा बनाएंगे, गा बनाएंगे और ला, इस तरह से बना देंगे जंगल। और ये जो जा पर जो बिंदु लगा है ये पहले स्थान पर जाके रख देंगे इस तरह से, तो ये पढ़ा जाएगा जंगल। है, ये है बना देंगे यूं, और ये जो विराम आता है इसको हम क्रॉस करके बनाते हैं यूं, इस तरह से। अगर हम क्रॉस लगाते तो वो विराम की पहचान होती है। इसमें क्या लिखेंगे, इस और में, इसमें लाइन के ऊपर, कई
का बनाएंगे और ई कई, किस्म का बनाएंगे, सा का आंकड़ा लगाएंगे और ये माँ, और ये जो ई की मात्रा वो यहाँ रख देंगे किस्म। के, ये के का शब्द चिन्ह होता है इस तरह से, जानवर जा बनाएंगे, ना बनाएंगे, वा और इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, रा भी इसमें आ गया तो जानवर, और ये जो आ की मात्रा है वो जा पर यहाँ रख देंगे। जानवर, कुछ, ये कुछ का शब्द चिन्ह आ गया, देखो ये कौन बनाया था अभी, ये बनाया कौन लाइन के ऊपर है, कौन अगर लाइन पर बना दें तो पड़ा जाएगा कुछ, छोटे। इस तरह से अगर हम ये वाला निशान इस तरह से बनाकर यूँ हल्का सा निकाल दें तो ये पढ़ा जाता है छोटा, लेकिन इसको हम अगर डॉट लगा दें तो ये पढ़ा जाएगा छोटे। कुछ, फिर से कुछ आ गया, कुछ, बड़े, ये अगर इस तरह से हम बना दें तो ये पढ़ा जाता है बड़ा, लेकिन हमें लिखना है बड़े, तो यहाँ पे एक ही मात्रा लगा देंगे तो पढ़ा जाएगा बड़े। रहते हैं, तो रा बनाएंगे, हा बनाएंगे और ता बनाएंगे और एक ही मात्रा, रहते और हैं, ये है बन जाएगा और ये विराम। रहते हैं, जो, जिसको, ये जिसको लिखा है तो जो फिर आ गया, जा बनाएंगे ओ की मात्रा जो, जिसको जा बनाएंगे सा का आंकड़ा का और ये ओ की मात्रा, जिसको पाता पा और ये ता, तो पा पर आ की मात्रा, ता पर आ की मात्रा, पाता है। खा, खा बनाएंगे और इस पर आ की मात्रा, खा को कट करके बनाते हैं खा, जाता जा और ता, ये जा आ की मात्रा और ये ता पर आ की मात्रा, जाता है, ये है। कोई, कोई, किसी, देखो ये किस है, इसी पर ई की मात्रा लगा दो तो ये पढ़ा जाएगा किसी का। विचार, देखो वा बनाएंगे, चा बनाएंगे और ये रा, अब देखो वा पर ई की मात्रा तो ये यहाँ लगेगी, चा पर है आ की मात्रा, ये यहाँ लगेगी। विचार, नहीं, नहीं, नहीं का सब चिन्ह ये, रख ता, ये रख हो गया और ये ता है, ये इस तरह से बना देंगे है और ये विराम। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मात्राओं वाली वीडियो देख लें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी वो वीडियो और आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, कभी भी मात्रा की दिक्कत आपको नहीं आएगी। जिस तरह, देखो जिस, इस तरह से और ये तरह होता है, अगर इस तरह से निकाल दें तो किसी सर्वनाम के साथ इस तरह से निकाल दें तो क्या पढ़ाता है, जिस तरह के, ये सब बता रखा है पिछली एक्सरसाइज में। के, जानवर, जान वा बनाएंगे और ये इसको बड़ा कर देंगे, जानवर ऊपर भी आया उधर। वहाँ, देखो इसको हम लिखते हैं वा बनाएंगे और ये इस तरह से निकाल देंगे तो ये वहाँ का शब्द चिन्ह होता है। रहते, रह ते एक ही मात्रा हैं। उनसे, ये उनका शब्द चिन्ह होता है और इस तरह से सह निकाल देंगे हल्का सा तो ये पड़ेगा उनसे। किसी तरह, देखो अभी हमने ये लिखा है किस तरह, सेम इसी तरह लिखेंगे यू इस तरह से, लेकिन यहां पे ई की मात्रा रख देंगे तो ये पड़ेगा किसी तरह। भी, भी, जान जा और ये माँ बनाएंगे, इसको कट कर देंगे ना हो जाएगा ये जगह जान। छुड़ाना, छा बनाएंगे, ड़ा बनाएंगे और ये ना, अब देखो ये भी कट करके लिखते हैं, ये भी कट करके लिखते हैं, अब छा की जो मात्रा लगेगी वो यहाँ लगेगी, ड़ा की जो मात्रा लगेगी वो यहाँ लगेगी और ना की जो मात्रा लगेगी वो यहाँ लगेगी। छुड़ाना, मुश्किल, माँ बनाएंगे सा का आंकड़ा का, और इस तरह से भी लिख सकते हैं मुश्किल या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं, माँ बनाएंगे सा का आंकड़ा का हो गया ये और ये ला, मुश्किल है और इसको कर देंगे विराम। ये क्या हो गया, 7 पॉइंट हो गए, अभी इसमें एक पॉइंट और है, 8वां पॉइंट, मैं इसको रफ कर देता हूँ और 8वां पॉइंट लिख लेता हूँ, यहाँ जगह नहीं थी इस वजह से मैंने एक साथ नहीं लिखा। अब आता है पॉइंट एट में पहला वर्ड है उसने, देखो ये होता है उस, ये शब्द चिन्ह होता है उसका और ये ने, उसने, उसकी, देखो उस और की और यहाँ पे ई की मात्रा लगा देंगे पड़ जाएगा उसकी। देखो मैं ये जो मात्राएं यूज कर रहा हूँ ये मात्राएं आपको बहुत अच्छी जगह काम आएंगी, क्योंकि बुक में जो दे रखा है इस तरह से निशान दे रखा है और यही पढ़ा है उसको, उसका, उसके, उसकी, यानी कि तीनों चीज़ों का शब्द चिन्ह ये एक ही है, लेकिन मैंने फ़र्क कर दिया है कि अगर उसका आता है तो ऐसे लिखेंगे, उसके आता है तो यहाँ ए की मात्रा बीच में लगाएंगे, अगर उसकी आता है तो यहाँ एक ई की मात्रा लास्ट में लगाएंगे। तो इस तरह से ये पहचान है और इस पहचान का आपको आगे फायदा मिलेगा, ठीक है।
इसलिए ये लिखा है उसकी, तो ये इसको हमने क्या करा है ई की मात्रा लगा दी, ये पढ़ेंगे उसकी। कलम, देखो कलम कैसे लिखेंगे, का बनाएंगे, ला नीचे भी बनाते हैं यूं, और ये इस तरह से क्या हो गया मा, कलम। चाहे इस तरह से लिख लो या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं, का बनाएंगे, ला ऐसे भी बनाते हैं और मा ऐसे भी बनाते हैं, ठीक है कलम। और अगर हम रा को लाइन से काट के यूं निकाल दें तो ये पड़ा जाता है और, ये शब्द चिन्ह होता है और का। उसकी, फिर वही वर्ड आ गया उसकी, तो यहाँ पे ये इस तरह से लिख देंगे सेम। ही, अगर इस तरह से गोल रिंग बना देते हैं तो ये पड़ा जाता है ही। स्याही, देखो क्या करेंगे, सा का आंकड़ा लगाएंगे, सा का आंकड़ा मैं सिखा चुका हूँ, तो इस तरह से ही सा का आंकड़ा लगाएंगे और यहाँ से ही या निकालेंगे और यहाँ से ही फिर क्या बनाएंगे हा बनाएंगे, तो ये ई की मात्रा आ गई और ये या पर आ की मात्रा आ गई, तो ये पड़ा जाएगा स्याही। से, इस तरह से अगर हम यू निकाल दें तो ये से पढ़ा जाता है आप, ये हल्का सा यू निकालेंगे आ और ये पा आप। कई, का बनाएंगे और ये ई कई। तस्वीर, तस्वीर कैसे लिखेंगे, देखो ता बनाएंगे, ये सा का आंकड़ा लगाएंगे और यहाँ से वा निकालेंगे और रा को थोड़ा और आगे बढ़ा देंगे और इस पर ई की मात्रा है, ये मात्रा यहाँ लगा देंगे। मात्राओं को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मात्राओं वाली वीडियो आप ज़रूर देख लें, आपको मात्रा अच्छे से समझ आ जाएंगी। मैंने जो मात्राएँ सिखाई हैं वो बुक से थोड़ा अलग हटकर सिखाई हैं और आपको बहुत आसान तरीके से वो समझ आ जाएंगी। खींची, खा बनाएंगे और ये चा, खा को कट करके बनाते हैं और खा की मात्रा कहाँ लगाएंगे यहाँ और चा की पे ई की जो मात्रा वो लगाएंगे यहाँ, खींची और विराम, ये हो जाएगा इस तरह से। फिर आता है ना तुमको, ये तुमको है का है ये ना, तो ना कैसे बनाएंगे इस तरह से, ये ना बना देंगे सिंपली जिस तरह से हम ना बनाते हैं इस तरह यूं ना बना देंगे, तो ये पढ़ाएगा ना। लेकिन बुक में कैसे दे रखा है, बुक में इस तरह दे रखा है कि अगर हम नहीं लिखते हैं तो उसको इस तरह लिखते हैं लाइन पर, और अगर इस नहीं को लाइन के ऊपर बना दें तो ये ना पढ़ा जाता है। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ ना पढ़ना है, क्योंकि जब हम टेंस पढ़ेंगे तो ना बन रहा है ये सीधा सीधा, तो हम इसको ना ही पढ़ेंगे। तुमको, तुम को बुलाया, बा बनाएंगे ला और यहाँ से ही क्या निकाल देंगे या, तो बा पर ऊ की मात्रा यहाँ तो लगा नहीं सकते, कहाँ लगाएंगे ला के तीसरे स्थान पर, और या की मात्रा ये और ला पर भी एक मात्रा तो वो यहाँ लगाएंगे। बुलाया, ना, ना तुम्हारे, ये तुम्हारा हो गया और एक ही मात्रा लगा दी, क्या पढ़ाएगा तुम्हारे। पास, पा बनाएंगे, सा का आंकड़ा पास और ये आ की मात्रा पास। आया, आ और या, देखो ये शब्द चिन्ह है आया का, ठीक है, चाहो तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, या बनाएंगे और ये आ की मात्रा और यहाँ पर भी आ की मात्रा, तो ये भी क्या पढ़ा जाएगा आया पढ़ा जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा बेस्ट है। और विराम, यह का शब्द चिन्ह होता है ये। मुझ में, मुझ में कमी, का और माँ और ये ई की मात्रा कमी थी, ये था का शब्द चिन्ह होता है और इसमें ई की मात्रा लगा देंगे पड़ेगा थी। की, ये की का शब्द चिन्ह होता है। मैंने, मैंने लाइन के ऊपर। ना, ना तुमको, तुमको ना, ना। अब देखो यहाँ आया है तुम्हारे बहन, लेकिन जो किताब में शब्द चिन्ह दिया है वो तुम्हारा का इस तरह से दिया है, ए इस तरह से ये तुम्हारा का शब्द चिन्ह है। इसको ही हम तुम्हारा पढ़ेंगे, इसको ही हम तुम्हारी पढ़ेंगे और इसको ही हम तुम्हारे पढ़ेंगे। तो अगर किताब के अकॉर्डिंग हम देखें तो अगर हम टेंस देखें, मैंने ना तुमको, ना तुम्हारे बहन को, तो हमारा तो तीनों चीज़ें एक सी हैं, तुम्हारा, तुम्हारे और तुम्हारी, तो हम तो ऐसे ही लिखेंगे बुक के अकॉर्डिंग। लेकिन जब हम इसकी हिंदी बनाएंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, फिर हम क्या तुम्हारे पढ़ेंगे, हम तो टेंस के हिसाब से पढ़ेंगे ना। मैंने ना तुमको, ना तुम्हारे बहन को होगा या तुम्हारी बहन को होगा, तो क्या पढ़ेंगे तुम्हारी बहन को, तो हम इसमें क्या करेंगे गलत कर बैठेंगे, क्योंकि हम सेंस के अकॉर्डिंग अगर पढ़ेंगे तो हम इसको तुम्हारी पढ़ेंगे, तुम्हारी बहन को। इसलिए मैं मात्राओं की पहचान बताता हूँ कि मात्राओं की पहचान कर लो, क्योंकि हम आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। बहन, बा बनाएंगे और ये हा और ये ना, बहन। चाहे तो बहन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये इस तरह से निकाल के हा यूं भी निकालते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं बहन। को, देखो का और ओ की मात्रा को। इसकी, इस और की, ये ई की मात्रा इसकी। सूचना, सा का आंकड़ा मैं पढ़ा चुका हूँ, ये सा का आंकड़ा है चा और ये माँ बनाएंगे और इसको कट कर देंगे, ये पढ़ाएगा ना। तो देखो सा पर ऊ की मात्रा है तो यहाँ लगेगी और ना पर आ की मात्रा है वो यहाँ लगेगी। बहुत से स्टूडेंट ही कहते हैं
कि हम कभी ये वाला माँ बनाते हैं काट कर, कभी ये वाला बनाते हैं इस तरह से ना, कभी ये बनाते हैं। तो देखो अगर मैं सूचना इस तरह से लिखता सूच, अब ना मैं कहाँ को निकालूँ यूँ, तो परेशानी पड़ रही है ना। तो इसी वजह से ये दो हैं, जहाँ पर हमें जिस वाले ना या माँ की आसानी होती है हम वही वाला बनाते हैं। तो ये वाला जो माँ था ये आसानी से एकदम यूँ बन गया, बस इसको काटना पड़ा। तो इसको क्या पढ़ेंगे, सूचना दी, ये दा होता है सीधा सीधा और यहाँ पर ई की मात्रा लगा देंगे, पढ़ाएगा दी। तिस से, तिस से का एक शब्द चिन्ह आता है वो करा दिया है, ये तिस और ये से, तिस से तुम, ये है तुम का शब्द चिन्ह, क्या पढ़ेंगे इसको तुम। गुस्सा, गा बनाएंगे, सा का आंकड़ा ये लग गया और ये सा, गुस्सा। अब देखो गा पे ऊ की मात्रा तो कहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे इस तरह से। अब ये मात्रा इस तरह से मैंने क्यों लगाई है, अगर मैं चाहता तो डैश वाली मात्रा इस तरह से भी लगा सकता था, तो ये मात्रा सा पर पड़ जाएगी इस वाले लास्ट पर, गुस्सा। अब यहाँ पर क्या है, ये मैंने यूं लगाई है तो ये गा पर पड़ जाएगी गुस्सा, क्योंकि सा तो है ही, जब हम गा पर ऊ की मात्रा पढ़ लेंगे तो सा की मात्रा तो ऑटोमेटिक खुद आ जाएगी कि ये क्या है वर्ड, गुस्सा, क्योंकि गुस्स कुछ नहीं होता, क्या वर्ड होता है गुस्सा। हो, हा बनाएंगे और ओ की मात्रा हो, गए गा और या बनाएंगे ए की मात्रा गए और ये विराम, इस तरह से। तो इस तरह से ये अभ्यास 24 कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम अभ्यास 25 सीखेंगे। अभ्यास 25 सीखने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभ्यास 25 जो है उस अभ्यास में जो भी पीछे के हमने शब्द चिन्ह सीखे हैं वो सारे के सारे शब्द चिन्ह उस अभ्यास में यूज होने वाले हैं। तो आपने शुरू से लेकर अभ्यास 25 तक जितने भी शब्द चिन्ह सीखे हैं वो आपको रिवाइज करने हैं। अगर आप उसको रिवाइज कर लेंगे तो अभ्यास 25 आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। तो ऐसे ही वीडियो के लिए इतनी ही आसान तरीके से मैं हर वीडियो सिखाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की समझ में आए। तो इस तरह से सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छी अगर लगती है वीडियो तो वीडियो को लाइक भी करें, और अगर कोई कमी लगती है तो उस पर कमेंट भी करें और हमें बताएं कि हाँ ये कमी है, तो जिससे हम अपनी वीडियो में सुधार कर सकें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।